नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूड विद टिप्स में। आज हम लौकी के लड्डू बनाने जा रहे हैं, जो कि खाने में स्वादिष्ट, बनाना बिल्कुल आसान और ठंडी गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ है। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है खोया, 250 ग्राम खोया है, ये हमने घर पर बनाया है। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने डाली है। ये हमने लौकी ली है, एक बड़ी लौकी है जिसे हमने अच्छे से छील के धो के घिस के ले लिया है। ये 1 केजी लौकी है, 1 किलो। ये हमने 250 ग्राम चीनी ली है, थोड़े से काजू और बादाम काट के रख लिए हैं। ये हमने 7 इलायची को छील के पीस के ले लिया है, 1 चुटकी ग्रीन कलर डालेंगे जिससे कलर अच्छा आएगा। ये हमने 1 पिंच लिया है, 2-3 चम्मच देसी घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे, गैस ऑन करेंगे, इसमें 2-3 चम्मच घी डालेंगे। घी को गरम होने देंगे, जब तक हमारा घी मेल्ट हो रहा है। पहले अपना घी मेल्ट करेंगे, फिर लौकी डालेंगे। तो हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब हम लौकी डालेंगे। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। अब इसे हम ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। सिर्फ 5 या 7 मिनट तक पकाना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। इसे हम बीच में चेक करते रहेंगे, वरना नीचे से जलने की जल सकती है। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम चेक करेंगे। हमारी लौकी ने पानी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा, और 5-7 मिनट हो भी गए हैं, आप देख रहे हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालते ही, चीनी जब मेल्ट होगी तो अपना पानी छोड़ेगी, इससे हमें सुखाने में टाइम लगेगा। देखिए चीनी पिघल रही है और पानी निकल रहा है इससे, इसे सुखाना पड़ेगा हमें। इसे सुखाने में 5-7 मिनट लग जाएंगे, तो हम इसे चलाते हुए सुखाएंगे। पूरा पानी सूखने तक हमें इसे सुखाना है, ताकि हमारे लड्डू अच्छे बने। तो इसे चलाते हुए हम सुखाएंगे। ये देखिए 5-7 मिनट हो गए हैं और हमारी लौकी ने काफ़ी पानी सोख लिया है, काफ़ी हद तक ये सूख गई है। तो अब हम इसमें अपना फूड कलर डालेंगे, जो हमने 1 चुटकी लिया है, इससे कलर भी अच्छा आएगा, देखने में ये अच्छा आता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, इससे दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। अच्छे से मिला देंगे और अब खोया डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। इसे चलाते हुए मिलाना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो इसे लगातार चलाएंगे और मिलाएंगे। हमारा कलर और खोया दोनों अच्छे से मिल गया है। अब इसे 2-4 मिनट और मिलाएंगे, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए और हम लड्डू बना सकें। इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर हम हमेशा एंड में डालते हैं, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। इसे भी अच्छे से मिला देंगे।
देखिए कितना अच्छा आया। अब हम इसमें काजू और बादाम जो काट के रखा था उसे डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निश करने के लिए, और इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। मिला के बिल्कुल चलाते हुए हमें सुखाना है ताकि लड्डू अच्छे से बने। तो इसे हम सुखा लेते हैं, 2-3 मिनट और लगेंगे बस, और हमारा लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसे चलाते हुए ही सुखाना है, नहीं तो नीचे से जलने का डर रहता है। तो हम चलाते हुए सुखाएंगे। लगातार चलाते रहेंगे। हमारा पानी काफ़ी हद तक सूख गया है और लगभग ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें भी मिल गई हैं। तो गैस ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस ऑफ करेंगे। और एक प्लेट में निकाल लेंगे, निकाल के हम फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और लड्डू बनाने में आसानी हो। अच्छे से फैला के ठंडा करेंगे। इसे हम अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 5-7 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। तो अब हम लड्डू बना के चेक करते हैं। अब हम लड्डू बना सकते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे ताकि लड्डू हाथ में ना चिपके। थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और इसे लड्डू का शेप देंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और प्लेट में रखेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए हाथ में लेंगे, ऐसे गोल गोल बना के रखेंगे। इसी प्रकार से हम लड्डू बनाते जाएंगे। ये बड़े बच्चों सभी को पसंद आने वाली चीज़ है, ये सभी लोगों को बहुत पसंद आती है खाने में। व्रत के टाइम में भी इसे आसानी से बना के खा सकते हैं। तो हम लड्डू बना लेते हैं। लगभग हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। अब इसे हम बादाम और काजू से डेकोरेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा रखेंगे। देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार है। इसे अच्छे से गार्निश कर देंगे ताकि देखने में और सुंदर लगे। तो हमारा लड्डू बनके तैयार है। आप इसे खाइए, खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम दिखे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पर गौर कर सकें और उस पर काम कर सकें। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पर नोट कर सकें उसे, और हम आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा लड्डू बन के तैयार है। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।